हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से कैसे आप पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे नॉर्मली आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, बट अगर इमरजेंसी कंडीशन में आपको कुछ पैसे की अर्जेंट ज़रूरत हुई तो आप क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो एक ट्रिक से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद वो पैसा यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ डायरेक्ट अगर आप क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको हैवी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पैसा वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें दो एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो पेटीएम है, और सेकंड उबेर का एप्लीकेशन है। और अगर नॉर्मली हम पेटीएम से डायरेक्ट वैलेट में फ़ंड ऐड करके अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से फ़ंड ऐड करेंगे तो 100 के लिए आपको 102.3 जो है आपके क्रेडिट कार्ड से यूज होगा। तो यानी आपको जो है 2.3% का जो है चार्जेज लगेगा। अभी आपको ये चार्ज वेव ऑफ करने के लिए आपको उबेर का जो अकाउंट है वो आपको बनाना है, और उसके बाद में सेम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पेटीएम में रहना चाहिए और सेम आपका जो है उबेर में रहना चाहिए। फिर ये जैसे उबेर का वैलेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटीएम का जो ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड जो फंड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी मनी ऐड करने का, और यहाँ पे आप जो है पैसा ऐड करेंगे। याद रखें मोबाइल नंबर सेम रहना चाहिए उबेर का और जो पेटीएम का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो जैसे इसमें फ़ंड ऐड करेंगे क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो भी आपको कुछ चार्जेज नहीं लगेगा, और जितना फ़ंड यहाँ पे ऐड होगा वो डायरेक्ट आपके जो है पेटीएम में शो करेगा, और वो पैसा आप फिर है उसमें अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे ये 100 रुपीज़ ऐड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आप जैसा देख पा रहे हैं 100 रुपीज़ मैंने यहाँ पर एंट्री किया है, और जैसे ही मैं OTP फिलअप करूँगा तो ये 100 रुपीज़ का जो है पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा और सेम जो पैसा है वो पेटीएम वैलेट में शो करेगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये 100 रुपीज़ आप देख सकते हैं पेटीएम बैलेंस, तो ये उबेर के अकाउंट में ही दिखा रहा है, उबेर का जो वैलेट है उसी में दिखा रहा है कि ये पेटीएम से मैंने जो है पैसा ऐड किया है। और अकाउंट ये जो है वो पेटीएम में भी सेम रहेगा और उसमें उबेर में भी सेम रहेगा। अभी मैं आपको इसमें पेटीएम में भी दिखाता हूँ, ये जैसे पेटीएम में 100 रुपीज़ का बैलेंस दिखा रहा है, और यहाँ से अभी ट्रांसफ़र टू बैंक का ऑप्शन आ रहा है पे, एंड उसके बाद जो आ रहा है सेकेंड नंबर पर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ये 100 रुपीज़ जो है आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ डालता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस, यानी यहाँ पे कोई जो है आपका हिडन चार्जेस नहीं, यानी पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा विदाउट कोई जो है डिडक्शन के। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है वो आप इमरजेंसी में यूज़ कीजिए, और नॉर्मल टाइम में जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है वो आप अपनी शॉपिंग पे कीजिए। और क्रेडिट कार्ड के और बहुत सारे बेनिफिट हैं, और मैं पहले भी एक दो वीडियो जो क्रेडिट कार्ड पे लेके आ चुका हूँ, और आगे भी मैं उनके जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी जो जो कार्ड है तो मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 100 रुपीज़ के लिए जो है ये चार्जेज 0% दिखा रहा है, और यहाँ से जो है डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये पैसा आप जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक हो गई जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मनी जो है सेंड टू बैंक सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट लेके आऊँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।